और मेरे भाई कैसा चल रहा है सब कुछ। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि AMD की नई 3000 सीरीज आने वाली है। अब हम सब लोग उसके लिए एक्साइटेड है क्योंकि AMD हमेशा से कम प्राइस में हमको बढ़िया प्रोडक्ट्स डिलीवर करता हुआ आया, लेकिन इस बार मेरे भाई चोट हो सकती है क्योंकि जो हमने देखे थे जो AMD के X470 मदरबोर्ड्स थे वो काफी रीजनेबल प्राइस पे थे और उनकी जो प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू थी वो भी बहुत बढ़िया थी। लेकिन अब जो राइजन 3000 सीरीज आ रही है उसके साथ AMD क्या कर रहा है, एक नया मदरबोर्ड लाइनअप लॉन्च कर रहा है जो कि है X570। अब यार देखो हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि साफ सी बात है नई चिप्स आ रही हैं, उनमें नए फीचर्स हैं और उन नए फीचर्स का लाभ उठाने के लिए आपको नया मदरबोर्ड भी चाहिए होगा। तो नए चिप्स में बहुत सारे नए फीचर्स हैं और उसमें जो दो मुख्य फीचर्स हैं वो ये है कि नए चिप्स में 12 कोर्स तक होंगे और उनमें PCIe 4.0 का सपोर्ट भी होगा। अब ये सब सुन के बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि यार PCIe 4.0 PCIe आजकल हर जगह काम आ रहा है, भले ही वो M.2 हो, ग्राफिक कार्ड हो, कुछ भी हो, PCIe मतलब फास्ट परफॉर्मेंस। अब PCIe 3.0 ही इतना फास्ट था तो 4.0 कितना फास्ट होगा, और हम ये जानते हैं कि फास्ट चीजों के पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो इस बार X570 मदरबोर्ड आएंगे वो मेरे भाई बहुत महंगे आएंगे। बहुत महंगे से मेरा मतलब है कि एक तरीके से आप उसको प्रीमियम रेंज में भी समझ लो। और जो सबसे सस्ता X570 होगा ना भाई, उसको भी आप बजट में काउंट नहीं कर सकते। अब यार हम तो ये सोच रहे थे कि ये AM4 मदरबोर्ड ही है, वही सॉकेट सपोर्ट कर रहा है, पुराने मदरबोर्ड्स भी सेम सॉकेट सपोर्ट करते तो फिर ज्यादा महंगा क्यों होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। MSI जो ब्रांड है, माइक्रो स्टार इंटरनेशनल, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, वो AMD के लिए मदरबोर्ड्स बनाता है। MSI ने ये कहा है कि जो X570 मदरबोर्ड्स हैं उसके अंदर 12 कोर्स तक की चिप्स भी सपोर्टेड हैं, तो उसमें जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है और पावर कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से उस मदरबोर्ड पे आपको चाहिए VRM कूलिंग। अब VRM कूलिंग क्या है, VRM कूलिंग एक प्रीमियम फीचर है जो कि हाई एंड मदरबोर्ड्स में आता है और इसी वजह से जो X570 है उसका प्राइस बढ़ रहा है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें है PCIe 4.0। अब PCIe 4.0 मैन्युफैक्चरिंग में बहुत महंगा है और वो इसीलिए क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है वो PCIe 3.0 से बहुत ज्यादा है। अब साफ सी बात है कि PCIe 4.0 एक नई टेक्नोलॉजी है और इसको मेन स्ट्रीम होने में टाइम लगेगा और ये जब तक मेन स्ट्रीम नहीं हो जाती तब तक ये महंगी ही रहेगी, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम नहीं है, इसका मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक ही है क्योंकि AMD खुद ही इसे डेवलप कर रहा है तो वो जितना चाहे उतना प्राइस रख सकता है और आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। जैसे शुरुआत में नहीं सिर्फ प्रीमियम फोन्स में डुअल कैमरा आने चालू हुए थे, तब डुअल कैमरा वाले फोन कितने महंगे थे भाई, और अब देखो डुअल कैमरा की कोई औकात ही नहीं छोड़ी है, तीन कैमरा चार कैमरा नॉर्मल हो गया है। बस यही करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और PCIe को इस लेवल तक आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो जब तक ये इस लेवल पे नहीं आ जाता आपको इसके लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप X570 पे मत जाओ, आप 470 पे ही अटके रहो। लेकिन अभी इसका प्राइस कंफर्म नहीं हुआ है कि मदरबोर्ड्स का प्राइस क्या होगा, लेकिन जो भी होगा आपकी उम्मीदों से ऊपर ही होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि अब AMD भी प्रीमियम में घुसना चाह रहा है, जैसे वन प्लस नहीं आया कि सस्ते में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस दूंगा, और अब वो कहां पहुंच गया मेरे भाई, 50,000 के ऊपर पहुंच गया वो। तो 50,000 के ऊपर कोई फोन अगर इंडिया में पहुंच रहा है तो मेरे भाई वो प्रीमियम है, समझ गए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि AMD पे ऐसा कुछ करना चाह रहा है, और अगर ये ऐसा कुछ करना चाह रहा है तो मेरे भाई इंडिया में AMD को दिक्कत हो सकती है बहुत भारी। तो देखते हैं ये बात कहां तक जाती है और आपके थॉट्स क्या है इस पे कमेंट्स में लिखो और उस सब्सक्राइब के बटन को दबाओ क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको दबाना पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।